ईमान वालों, अल्लाह के लिए इंसाफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाया करो, और कुछ लोगों की दुश्मनी तुमको इस बात पर आमादा न कर दे कि इंसाफ ही न करो। इंसाफ किया करो कि यही परहेजगारी की बात है, और अल्लाह से डरते रहो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हारे सब आमाल से खबरदार है। जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे, उनसे अल्लाह ने वादा फरमाया है कि उनके लिए बख्शिश और अजर अजीम है, और जिन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुठलाया, वो जहन्नमी है। ऐ ईमान वालों, अल्लाह ने जो तुम पर एहसान किया है उसको याद करो। जब कुछ लोगों ने इरादा किया कि तुम पर दस्त दराजी करें, तो उसने उनके हाथ तुमसे रोक दिए, और अल्लाह से डरते रहो। और मोमिनों को तो अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। और अल्लाह ने बनी इसराइल से इकरार लिया था, और उनमें हमने 12 सरदार मुकर्रर किए थे, और अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ हूं, अगर तुम नमाज पढ़ते और जकात देते रहोगे और मेरे पैगंबरों पर ईमान रखोगे और उनकी मदद करते रहोगे और अल्लाह को कर्ज हसन दोगे, तो मैं तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर दूंगा और तुमको बहिश्तों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। फिर जिसने उसके बाद तुम में से कुफ्र किया, तो वो सीधे रास्ते से भटक गया।